सलमान खान एक बार फिर से अपने छोटे भाई सोहेल खान की फिल्म में काम करने के लिए तैयार है। उनकी इस फिल्म का नाम शेर खान है। शेर खान सलमान और सोहेल के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक रही है जो पिछले 12 सालों से रुकी हुई है, लेकिन एक बार फिर से दोनों भाइयों ने फैंस के लिए शेर खान पर काम करने का फैसला किया है। साल 2012 में सलमान खान और कपिल शर्मा ने जंगल एडवेंचर फिल्म शेर खान की घोषणा की गई थी। इसे एक VFX भारी एक्शन ड्रामा बताया गया था जिसमें सलमान एक शेर दिल्ली मैन के रूप में दिखाई देने वाले थे। शेर खान का निर्माण और निर्देशन सोहेल खान कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोहेल इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 10 के एक प्रमोशनल इवेंट में उन्होंने शेर खान के साथ लार्जर देन लाइफ हिंदी सिनेमा में वापसी के बारे में अंग्रेजी वेबसाइट News18 से बात की और खुलासा किया कि वह इसे 2025 में तैयार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोहेल खान ने शेर खान को ठंडे बस्ते में क्यों डाला, इसको लेकर उन्होंने कहा, VFX की टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। हर बार जब हम शेर खान की स्क्रिप्टिंग पूरी करते थे तो मैं एक और मार्वल फिल्म दिखती थी और इससे मुझे यह महसूस होता था कि मैंने क्या लिखा है और मैं कैसा एक्शन चाहता हूँ। मुझे पता था कि जब तक फिल्म आएगी यह आउटडेटेड लगेगी। सोहेल का मानना है कि समय के साथ वह हॉलीवुड की सुपरहीरो फिल्मों और एक्शन एडवेंचर के फॉर्मूले को समझने में कामयाब रहे और दर्शकों के साथ तालमेल बिठाया और बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत काम किया।